प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्रीमान पुष्कर सिंह धामी जी, मंच पर विराजमान सभी महानुभाव, यहाँ पर उपस्थित सभी राम भक्त भाई और बहनों, पीछे थोड़ा पीछे, आज उल्लास देखते ही बन रहा है। कल भी देहरादून में बहुत बड़ी शोभा यात्रा हम लोगों ने निकाली थी, आज भी मैं सवेरे से ये चौथे कार्यक्रम में हूँ जहाँ पर शोभा यात्रा का कार्यक्रम चल रहा है, और जहाँ भी जा रहा हूँ इसी प्रकार का माहौल है। और मेरे लिए तो और भी सौभाग्य की बात है कि जब राम जन्मभूमि आंदोलन शुरू हुआ था तो देहरादून के संयोजक के रूप में मैंने वो जिम्मेदारी मेरे संगठन ने मुझे दी थी, और मुझे सौभाग्य मिला। यहाँ पर हमने कार्यक्रम किए ही किए, सत्याग्रह करने का सौभाग्य मिला, जेल में जाने का सौभाग्य मिला, और उसके बाद 6 दिसंबर 1992 को जो हमारे ऊपर वो कलंक के गुंबद थे उनको उठाने का भी सौभाग्य मुझे मिला है। और वो संघर्ष आज अपने अंतिम चरण में आ गया, और कल हम देखेंगे लगभग इसी समय अयोध्या में भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम चल रहा होगा, हम सब लोग उसके प्रत्यक्ष दर्शी होंगे। ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। आज इस अवसर पर हमारे बीच में माननीय मुख्यमंत्री आए हैं, मैं उनका भी आभार व्यक्त करना चाहूंगा, क्योंकि जब जब मैंने अपेक्षा की है वो मेरे क्षेत्र में उपलब्ध रहे हैं। आज सवेरे से मेरा कम्युनिकेशन नहीं बन पा रहा था, मुझे बड़ी चिंता हो रही थी कि कैसे आपसे बातचीत हो जाए, क्योंकि आपके बहुत व्यस्त कार्यक्रम चल रहे हैं। तो जैसे हमारी बातचीत हुई, आप आज हमारे बीच में है, और मैं देखता हूँ कि धर्मपुर विधानसभा के अंदर जितने भी कार्यक्रम होते हैं, अगर सबसे अधिक उपस्थिति आज तक किसी मुख्यमंत्री के कार्यक्रमों में हुई तो पुष्कर सिंह धामी जी का। और यहाँ पर सम्मान अनुरोध कर रहा हूँ कि वो आए और यहाँ पर सभी राम भक्तों को संबोधन करें ताकि यात्रा आगे बढ़ाई जा सके। जय जय श्री राम, जय श्री राम। करनी है और कल तक प्राण प्रतिष्ठा तक हमारा जोश पूरा बना रहना है, और उसके बाद और जोर से जोश अन्य चीजों में भी लगना है। तो नारेबाजी थोड़ा जोर से, पुष्कर धामी जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम। आज कलश यात्रा के इस शुभारंभ अवसर पर अभी आप लोगों ने जिनको सुना, आप सबके बीच में हमेशा एक राम भक्त के रूप में, एक राष्ट्र भक्त के रूप में अपना योगदान करके इस पूरे क्षेत्र को आगे बढ़ाने का काम जो कर रहे हैं, इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक आदरणीय विनोद चमोली जी, हमारे निवर्तमान मेयर भाई सुनील उनियाल गामा जी, भाई रविंदर जी, महेश जी, पूरी हमारी यहाँ पर कमेटी, सभी हमारे मंजा सिंह कंडारी जी समेत सभी उपस्थित हमारे मंडलों के अध्यक्ष, सभी हमारे पदाधिकारीगण, और हमारी मोहन जोशी जी, राजेश मित्तल जी समेत सारी टीम जिन्होंने आज इस कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज किया है, और हमारी बहन है जिन्होंने आज एक कलश यात्रा का यहाँ पर आयोजन किया है। मैं सबसे पहले तो आप सब लोगों को बहुत बधाई देना चाहता हूँ, बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। जैसा आदरणीय चमोली जी ने बताया कि एक लंबे कालखंड के बाद, लंबे संघर्षों के बाद हमारा वो स्वप्न और हमारा वो संकल्प पूरा होने जा रहा है, भगवान राम अपनी जन्मभूमि पर विराजित होने वाले हैं। ये अवसर हमको बहुत लंबे कालखंड के बाद, लंबे संघर्षों के बाद मिला है। आप सबको याद होगा जिसमें आदरणीय चमोली जी कह रहे थे अभी कि यहां से उन्होंने कार सेवा करी, और उस कार सेवा में लाखों करोड़ों स्वयं सेवकों ने कार सेवकों ने वहां पर अपना योगदान दिया, न जाने कितने लोगों ने अपनी जिंदगानी से हाथ धो डाला, तमाम माताओं ने अपने पुत्रों को खो दिया, तमाम बहनों ने अपने भाइयों को खो दिया, और हंसते हंसते भगवान राम कहते कहते भगवान राम लला वहां विराजित हो, उन्होंने अपनी बहन की राखी को भी ठोकर मार दी। भाइयों बहनों, तब जाके आज हमको ये दिन देखने को मिला है। हमारे पूज्य संतगण पीछे बैठे हैं, पूज्य संतगणों का भी बहुत बड़ा योगदान है।
और लंबे कालखंड के बाद जो दिन हमको देखने को मिल रहा है, ये दिन ऐसे ही नहीं मिला है। जहां लंबा संघर्ष रहा है, लंबा एक आंदोलन रहा है, सबकी साधना रही है, वहीं हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व रहा है, जिन्होंने हमको ये दिन देखने का शुभ अवसर उनके कार्यकाल में प्राप्त हुआ है। मोदी जी का भी अभिनंदन करना चाहते हैं। और देखिए भगवान राम वहां विराजित हो रहे हैं, तो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी लगातार 11 दिनों तक आज भी कठिन साधना कर रहे हैं। वो जमीन पर सो रहे हैं, अन्न उन्होंने त्याग रखा है, जल उन्होंने त्याग रखा है, केवल नारियल पानी पीकर देश की साधना कर रहे हैं, भगवान राम की स्तुति कर रहे हैं कि हमारा भारत आने वाले समय में विश्व को नेतृत्व देने वाला भारत बने, दुनिया को दिशा देने वाला भारत बने। ऐसी भारत की कल्पना और ऐसी संकल्पना के लिए वो अपने एक एक तिल तिल, एक एक क्षण और एक एक प्रतिक्षण को समर्पित कर रहे हैं। मैं आज के अवसर पर आप सब लोगों का बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ, आदरणीय चमोली जी का, कि उन्होंने इतने शुभ कार्य में आप सबके बीच में मुझे भी आने का सौभाग्य प्रदान किया। मैं अपनी बहनों का विशेष रूप से धन्यवाद करना चाहता हूँ। आप तो चूंकि थोड़ा और बड़े होंगे, मैं बहुत छोटा था जब मैं पहली बार अयोध्या गया था, बहुत छोटा, और मैंने जब वहां जाकर देखा, मैं आपको बताऊं, मैं मन में बड़ा उत्साह लेकर गया था कि भगवान राम की जन्मभूमि है और इस पावन भूमि में मैं जा रहा हूं, मुझे सौभाग्य मिल रहा है। जब मैं वहां पहुंचा तो मैंने देखा कि भगवान राम लला टेंट में है, टेंट में भगवान राम है, करोड़ों करोड़ों देशवासियों के, दुनिया वासियों के, राम जो हृदय में विराजते हैं, ऐसे भगवान राम टेंट में विराजमान है, उनके ऊपर टेंट लगा हुआ था। मन बड़ा दुखी हो गया, मन को बड़ी पीड़ा हुई, और मैं सोचता था कि कब जाकर भगवान राम एक भव्य और दिव्य जो है अपने महल में विराजमान होंगे। और इसके बाद में 2021 में जब अभी गया 16 अक्टूबर को, तब मैंने देखा कि वहां हमारे प्रधानमंत्री जी ने, नरेंद्र मोदी जी ने जो मार्ग प्रशस्त किया, उनके नेतृत्व के कारण से जो मंदिर बनने का, भगवान राम को विराजने का जो मार्ग प्रशस्त हुआ, उसके कारण से कितना बड़ा वहां पर परिसर बन गया है। आज पूरी दुनिया का सबसे बड़ा केंद्र कहीं बनने जा रहा है, तो भगवान राम की जन्मभूमि अयोध्या में बनने जा रहा है। बहुत सौभाग्य की बात है। और मैं आपसे एक आह्वान करना चाहता हूँ, उत्तराखंड के लोग राम भक्त भी हैं और राष्ट्र भक्त भी हैं, क्योंकि राम भक्ति में भी पीछे नहीं है, भक्ति भाव में भी पीछे नहीं है। पूरी दुनिया को दर्शन कराने का काम, पूरी दुनिया को देव दर्शन देने का काम हमारी ये भूमि करती है। वही अगर देश के अंदर कोई संकट आता है, देश के लिए कोई लड़ाई लड़नी होती है, अपने प्राणों को निछावर करना होता है, तो उत्तराखंड के हमारे वीर जवान सीमाओं पर रहकर देश के लिए अपना सर्वोत्तम देने का काम भी उत्तराखंड के लोग करते हैं। इसलिए भूमि राम भक्तों की भी है, राजभक्तों की भी है। और हमारे उत्तराखंड के अंदर ये जब से ये अभियान शुरू हुआ है, ये पकौड़ा प्रारंभ हुआ है, जगह जगह पर चारों ओर राममय राममय राम ही राम दिखाई दे रहे हैं। लोगों के तन में भी राम है, मन में भी राम है, सारे जहां अगर देखिए तो राम ही राम है। जगह जगह लोग झंडे लेकर, जगह जगह भजन गाकर, प्रभात फेरियों के रूप में मुझे इतने सारे सूचनाएं आ रही है, छोटे छोटे स्थानों में, गलियों में, मोहल्लों में, ग्राम सभाओं में हमारी माताएं बहनें, बड़े बुजुर्ग, नौजवान बच्चे प्रभात फेरियां निकाल रहे हैं। कुछ लोग ऐसे समय में भी राजनीति करने से बाज नहीं आ रहे हैं, आप देख रहे होंगे, उनको निमंत्रण भी भेजा जा रहा है, लेकिन निमंत्रण भेजने के बाद भी वो जा नहीं रहे, बहाना बना रहे, कभी कह रहे हैं ये नहीं हुआ, कभी कह रहे हैं वो नहीं हुआ। ये वो लोग हैं जो चाहते ही नहीं थे कि कभी राम मंदिर बने, भगवान राम वहां पर विराजित हो। अभी मुझसे टेलीविजन वाले भाई पूछते कि अरे निमंत्रण दिया गया है, वो क्यों नहीं आ रहे? अरे भाई, वहां तो वही जाएगा जिस पर राम की कृपा होगी। आप सब लोगों को यहाँ सूचना दी गई होगी, आप लोग यहाँ पहुंचे हैं तो ये तय मानिए कि यहाँ पर संयोजन
चमोली जी ने किया, हमारी बहनों ने किया, गोयल साहब ने किया, पांडे जी ने किया, पूरी कमेटी ने किया, लेकिन यहाँ पर वही पहुंचा है जिसके ऊपर भगवान राम जी, तो आप सब पर भगवान राम की कृपा है। हम लोग कल इस दीपोत्सव को, इस दीपावली को पूरे धूमधाम के साथ मनाएंगे। मैं अपनी माताओं से, बहनों से कहना चाहता हूँ कि घर घर दीप जाना चाहिए, घर घर दिवाली मननी चाहिए, और ये अवसर हमको भगवान राम की कृपा से, हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व के कारण से मिला है। मैं अंत में आप सबका बहुत अभिनंदन करते हुए, धन्यवाद करते हुए कि आपने ये बहुत शानदार काम किया है। आप सबकी यात्रा आगे निकले, आप हम लोगों को अभी यहाँ पर मंत्र उच्चारण से आगे की कामना कर दी है कि यात्रा हमारी सफल होगी, और सब लोग आपका इंतजार करने के लिए आगे खड़े हैं। तो मेरे साथ आप लोग थोड़ा दोहराइए, एक बार मैं भजन कर देता हूँ तो सब लोग बोलेंगे तो अच्छा होगा। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम।